बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है हमें मिली है वो है बीए बीएससी एडीपी पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए एचईसी ने क्या फाइनल डिसीजन लिया है, आज के इस वीडियो में जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको तमाम डिटेल जो है वो मालूम हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मुझे डिस्कस करने से पहले न्यूज़ पॉइंट एचडी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से आप बाखबर रह सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बीए बीएससी एडीपी पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्तिहानी सेंटर जो हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। और यहाँ पे ये बता दूँ कि 1,86,000 तुलबा और तालबात जो हैं वो इम्तिहान देने जा रहे हैं। यहाँ पर 325 सेंटर जो हैं वो कायम हो चुके हैं। सुबह के टाइम जो है वो स्टूडेंट्स की कम तादाद में जो है इम्तिहान लिए जाएंगे, यानी कि सेंटर में कम बच्चे मौजूद होंगे, जबकि शाम टाइम में तादाद जो होगी वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। पहले क्लास में जो तुलबा और तालबात थे वो 30 से 35 होते थे, लेकिन अब जो है इसकी तादाद जो है वो कम की जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी चेंज कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि एचईसी ने क्या फ़ैसला किया है। तो हमें कहा गया था कि तुलबा और तालबात ने एक मुतालबा पेश किया था कि जिस तरह एफ़ए के स्टूडेंट्स और मेट्रिक के स्टूडेंट्स के सिर्फ इख्तियारी इम्तहान मज़मीन के लिए गए हैं, उसी तरह हम बी ए बी एस सी के स्टूडेंट्स के लिए जाएँ क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम बहुत कम है और तैयारी जो है वो नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, इसके सिलसिले में जो है एचईसी का फाइनल डिसीजन जो है वो मंजर यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर उनका कहना है कि ये तमाम तजवीज़ जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। बैचलर्स डिग्री तमाम मज़मीन का इम्तिहान देना जो होगा अब लाजमी करार दे दिया गया है और एचईसी ने सिर्फ इख्तियारी मज़मीन के इम्तहान की तजवीज़ को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन ने सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो कई बार सिफारिश जो है वो पेश की गई कि बी ए बी एस सी ए डी पी पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट्स के जो इम्तहान ली जाएँ वो सिर्फ इख्तियारी मज़मीन के लिए जाएँ टाइम कम होने की वजह से, लेकिन एचईसी ने जो है ये तमाम सिफारिश और मुतालबात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। अब तमाम तलबा और तालबात जो हैं वो तमाम मज़मीन के जो हैं इम्तहान देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।